नमस्कार दोस्तों, चलिए जान लेते हैं एक बार फिर से उत्तर प्रदेश की आज के सभी मुख्य समाचार, ताज़ा समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज के बारे में। लेकिन उससे पहले आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को अभी लाइक। यूपी के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा का कार्यकाल बढ़ा, सेवा विस्तार को मिली मंजूरी। ये 10 लाख से ज्यादा राशन कार्ड होंगे रद्द, सरकार ने जारी की सूची। आतंकियों के छक्के छुड़ाते नजर आएंगी अब महिला जवान, सैन्य ऑपरेशन में भेजने की तैयारी कर रही सीआरपीएफ। अब इन सभी महिलाओं को सरकार देगी फ्री सिलाई मशीन। नए साल का जश्न मनाने वाले हो जाएं सावधान, इन लोगों पर रहेगी पुलिस की नजर। ऋषभ पंत के लिए देवदूत बने उत्तर प्रदेश मुजफ्फरनगर के ये 3 दिहाड़ी मजदूर, ऐसे बचाई जान। यूपी में G20 की तैयारियां, शहर में व्यवस्था गुड टू ग्रेट बनाना है, नगर विकास मंत्री AK शर्मा का है निर्देश। उत्तर प्रदेश में 17,109 किसानों को 7 करोड़ का मरहम, पहले सूखा और फिर बाढ़ ने की फसल चौपट। उज्ज्वला योजना को लेकर सरकार कर सकती है बड़ी घोषणा, नए साल में LPG गैस सब्सिडी बढ़ने की है संभावना। रहमान बने रमन, यूपी में मुस्लिम दंपति ने हिंदू धर्म अपनाया, विश्व हिंदू परिषद ने पूरे परिवार का किया अभिनंदन। कदम कदम पर करते हैं आधार कार्ड का इस्तेमाल तो हो जाइए सावधान, क्योंकि UIDA ने दी है यह सलाह। मायावती बोली, BJP धर्मांतरण, लौजियात और मदरसा सर्वे की जगह OBC आरक्षण पर ध्यान देती तो यह न होता। नए साल का तोहफा, स्मॉल सेविंग्स स्कीम पर अब मिलेगा ज्यादा ब्याज, PM मोदी ने कहा PPF और SSY में नो चेंज। चीन में कोरोना से मची यह तबाही अभी भी पीक पर नहीं, नए साल में एक दिन में 25,000 तक हो सकती है मौतें। PM की सांसद आदर्श गांव से जन चौपाल की शुरुआत, डिप्टी CM बोले ग्रामीणों की समस्या का होगा समाधान। न्यू ईयर सेलिब्रेशन को लेकर 10 घंटे उत्तर प्रदेश अलीगढ़ में रूट रहेगा डाइवर्ट। माँ के निधन के बाद भी कर्तव्य पथ पर डटे रहे PM नरेंद्र मोदी, सरदार पटेल से हो रही तुलना। 1 लाख टूरिस्ट ताज को कहेंगे हैप्पी न्यू ईयर, मुंबई दिल्ली के बैंड आगरा में मचाएंगे धूम, सभी स्टार होटल फुल। अखिलेश को अयोध्या में नजर आया, योगी सरकार को घेरने का मौका, 27 के लिए सपाइयों ने अभी से शुरू की तैयारी। सोना चांदी के रेट में बड़ा बदलाव, जाने 14 से 24 कैरेट गोल्ड के लेटेस्ट भाव। काशी से 13 को शुरू होगी देश की सबसे लंबी रिवर क्रूज यात्रा, PM मोदी ने कहा अभूतपूर्व। बसपा चीफ मायावती के घर बजेगी सहनाई, भतीजे आकाश आनंद ने की शादी तय। यूपी के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा का कार्यकाल बढ़ा, सेवा विस्तार को मिली मंजूरी। जी हां, बता दें दोस्तों कि यूपी के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा को दूसरा सेवा विस्तार दिया गया है। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा को 31 दिसंबर 2022 तक के लिए सेवा विस्तार दिया गया था। शासन के सूत्रों के मुताबिक प्रदेश सरकार की ओर से मुख्य सचिव के लिए 3 अधिकारियों का पैनल केंद्र सरकार के कार्मिक विभाग को भेजा गया था, लेकिन प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट और निकाय चुनाव में OBC आरक्षण को लेकर मचे बवाल के बीच केंद्र ने दुर्गा शंकर मिश्रा को ही सेवा विस्तार देना तय किया। ये 10 लाख से ज्यादा राशन कार्ड होंगे रद्द, सरकार ने जारी की सूची। जी हाँ, बताने की अगर आप भी राशन कार्ड धारक हैं तो खबर को पूरा आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि सरकार ने हाल ही में गाइडलाइन जारी की है जिसके तहत उन राशन कार्डों को निरस्त किया जाना है कि जो लोग करीब 1 साल से राशन नहीं ले रहे हैं, इसका मतलब उन्हें फ्री राशन की जरूरत नहीं है, इसलिए ऐसे सभी राशन कार्डों को निरस्त कर नए कार्ड जारी किए जाएंगे। वहीं यूपी सहित दिल्ली के अलावा भी कई प्रदेशों में राशन कार्ड सत्यापन का काम चल रहा है। वहीं बता दें कि जिला स्तर पर सभी जिला पूर्ति अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि उनकी टीम घर घर जाकर राशन कार्डों का सत्यापन कर। आतंकियों के छक्के छुड़ाते नजर आएंगी महिला जवान, सैन्य ऑपरेशन में भेजने की तैयारी कर रही CRPF। जी हां, बता दें दोस्तों कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद रोधी ऑपरेशन में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की महिला जवानों को भी भेजे जाने की तैयारी है। पैरा मिलिट्री फोर्स के एक टॉप ऑफिसर ने यह जानकारी दी है कि एनकाउंटर वाली जगहों पर तैनाती के लिए महिला कार्मिकों को ट्रेनिंग दी जाएगी। नए साल का जश्न मनाने वाले हो जाएं सावधान, इन लोगों पर रहेगी पुलिस की नजर। जी हां, बता दें दोस्तों कि नए साल के जश्न में हुड़दंग करने वालों पर इस बार कड़ा पहरा रहेगा। शहरों में भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर सादे वेश में पुलिस कर्मी तैनात किए जाएंगे, साथ ही शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों के विरुद्ध भी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।
ऋषभ पंत के लिए देवदूत बने मुजफ्फरनगर के ये तीन दिहाड़ी मजदूर ऐसी बचाई जान। जी हां दोस्तों, एक लग्जरी कार अचानक डिवाइडर से टकराती है, फिर दुर्घटनाग्रस्त कार में से गंभीर रूप से घायल युवा लड़खड़ाते हुए निकलता है। हादसे के बाद फरिश्ते के रूप में तीन युवक तुरंत मदद को पहुंचते हैं और पहले अपना कंबल घायल युवक को दे देते हैं, फिर तीनों युवक घायल को एम्बुलेंस में ले जाकर रुड़की अस्पताल में भर्ती कराकर उसकी जान बचाते हैं। दोस्तों बता दें कि बाद में इन फरिश्तों को पता चलता है कि जिस घायल की जान उन्होंने बचाई थी वह कोई और नहीं बल्कि भारतीय क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर खिलाड़ी ऋषभ पंत है। यूपी में G20 की तैयारियां, शहरों में व्यवस्था गुड टू ग्रेट बनाना है, नगर विकास मंत्री AK शर्मा का है निर्देश। जी हां दोस्तों, बता दें कि यूपी के नगर विकास मंत्री AK शर्मा ने G20 से पहले व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने को कहा है ताकि प्रदेश की अच्छी छवि उभर कर आए। उन्होंने कहा है कि एक यूनिट मानकर नगरीय व्यवस्था और वातावरण को गुड टू ग्रेट बनाना है। सभी निकाय अधिकारियों को शहरी व्यवस्था, साफ सफाई, सौंदर्यकरण, कूड़ा कलेक्शन और इसके निस्तारण पर और बेहतर कार्य करने के निर्देश दिए हैं। 17,109 किसानों को 7 करोड़ का मरहम, पहले सूखा और फिर बाढ़ ने की फसल चौपट। जी हां दोस्तों, बता दें कि गोरखपुर में पहले सूखा और फिर बाढ़, ऊपर से तेज बारिश, दैवीय आपदा ने गोरखपुर जिले के किसानों की धान की फसल चौपट कर दी। किसान बर्बाद हो गए हैं, कर्ज से दबे किसान फसल नष्ट हो जाने से और ज्यादा कर्जदार हो गए हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश की सरकार ने किसानों के जख्मों पर मरहम लगाने के लिए भरसक पहल की है। शासन ने जिले के ऐसे 17,109 किसानों जिनकी धान की फसल बाढ़ में चौपट हो गई थी उन्हें तकरीबन 7 करोड़ की मदद दी है। उज्ज्वला योजना को लेकर सरकार कर सकती है बड़ी घोषणा, LPG गैस सब्सिडी बढ़ने की है संभावना। जी हां बता दें कि देश का अगला बजट आने में कुछ ही महीने बचे हैं, ऐसे में सरकार आम नागरिकों के लिए केंद्रीय बजट में कई बड़े ऐलान किए जा सकते हैं। आम नागरिकों को राहत देने के लिए सरकार टैक्स में छूट योजनाओं को लाभ और कुछ नए नियम में बदलाव भी कर सकती है। इस बीच चर्चा यह है कि रसोई गैस पर उज्ज्वला योजना के तहत दी जाने वाली सब्सिडी को सभी सरकार बढ़ा सकती है। कदम कदम पर आधार कार्ड करते हैं इस्तेमाल तो हो जाइए सावधान, UIDAI ने दी सलाह। जी हां बता दें कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने निवासियों से आधार का इस्तेमाल करते समय सजगता बरतने का अनुरोध करते हुए कहा है कि जो लोग बैंक खाता, पैन या पासपोर्ट जैसे दूसरे पहचान निर्धारण दस्तावेजों की तरह आधार को इस्तेमाल में भी ध्यान रखना चाहिए। आधार क्रमांक जारी करने वाले निकाय UIDAI ने कहा है कि देश के निवासियों को अपना आधार कार्ड या उसकी प्रतियों को इधर उधर नहीं छोड़ना चाहिए। इसके अलावा उन्हें सोशल मीडिया एवं अन्य सार्वजनिक मंचों पर अपना आधार क्रमांक भी साझा करने से परहेज करना चाहिए। चीन में कोरोना से मची तबाही, नए साल में एक दिन में 25,000 तक हो सकती है मौतें। जी हां दोस्तों, खबर है कि चीन पिछले कुछ दिनों से कोरोना वायरस के संक्रमण की भीषण मार झेल रहा है। ब्रिटेन के हेल्थ एक्सपर्ट ने आशंका जताई है कि चीन में हर दिन करीब 9,000 मौतें COVID-19 के चलते हो रही है। यह आंकड़ा बीते हफ्ते के अनुमान से 2 गुना है। नए साल का तोहफा, स्मॉल सेविंग स्कीम पर अब मिलेगा ज्यादा ब्याज, PPF और SSY में नो चेंज। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार ने देशवासियों को नए साल का तोहफा दिया है। सरकार ने यानी SC, पोस्ट ऑफिस, टर्म डिपॉजिट, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम पर मिलने वाले ब्याज दरों में बढ़ोतरी का ऐलान किया है। हालांकि PPF की ब्याज दरों में किसी भी तरह का बदलाव नहीं किया गया है, नई ब्याज दरें 1 जनवरी से लागू हो जाएंगी। वहीं वित्त मंत्रालय के नोटिफिकेशन के अनुसार जनवरी से मार्च के तिमाही के लिए कुछ सेविंग स्कीम पर ब्याज दरों में 0.20% से 1.10% तक की बढ़ोतरी की गई है। सोना चांदी के रेट में बड़ा बदलाव, जाने 14 से 24 कैरेट गोल्ड के लेटेस्ट रेट। जी हां दोस्तों, बता दें कि सराफा बाजार में आज सोना 284 रुपए महंगा होकर 54,935 रुपए प्रति 10 ग्राम के रेट से खुला। वहीं चांदी 680 रुपए महंगी होकर 68,520 रुपए प्रति किलो के रेट से खुली है। अब शुद्ध सोना अपने ऑल टाइम हाई रेट से 56,254 रुपए प्रति 10 ग्राम से 1,319 रुपए ही सस्ता रह गया, जबकि चांदी अपने 2 साल पहले कुछ रेट 76,008 रुपए प्रति किलो से अब केवल 7,488 रुपए ही सस्ती है।
राशि 13 को शुरू होगी देश की सबसे लंबी रिवर क्रूज यात्रा। पीएम मोदी ने कहा अभूतपूर्व। जी हां, बता दें कि नदी परिवहन एक बड़े कदम के रूप में 13 जनवरी को उत्तर प्रदेश में वाराणसी से बांग्लादेश के रास्ते डिब्रूगढ़ तक एक क्रूज भेजा जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह जानकारी दी है। इन सभी महिलाओं को सरकार देगी फ्री सिलाई मशीन, ऐसे करें आवेदन। यह बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी महिलाओं को सशक्त बनाने और उन्हें घर से काम करने के लिए ये मुफ्त सिलाई मशीन योजना शुरू की है, जो महिलाओं को सशक्त बनाने में काफी मदद करेगी। प्रत्येक राज्य में 50,000 से अधिक महिलाओं को मुफ्त सिलाई मशीन मिलेगी। यह शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्र में आर्थिक रूप से वंचित महिलाओं की मदद करेगा। खबरों में आज के लिए बस इतना ही। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें। खबर को पहली बार देख रही हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर घंटी के निशान को जरूर दबा लें।